हेलो रिवन माई नेम एस जतन दिनगुरिया ना वर्ल्ड टू यू पी एस भी जतन आई होप यू आर आर डूंग फेंटास्टिक इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज माई जी एस पेपर ऑफ़ सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जिसको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी के थ्रू मैंने एफ ए आई एम ए आई एन एंड ओ टी ए सबके लिए क्वालिफाई किया था एंड ऑन फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर आई हैव माई एफ एस बी सो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ इसको एनालाइज़ करना और इसके लिए एक इस स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बताना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक जो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वाला कुछ देखा है इसमें अब इन चीज़ों को जरूर इसमें से पढ़ लेना सबसे पहले आप वॉलकनोस पढ़ के जाना क्लाउड्स पढ़ के जाना अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना वालकनोस पढ़ लेना किस तरीके के वालकैनस होते हैं क्लाउड्स कैसे क्या होते हैं अदरवाइज मेरे पास भी नोट्स हैं मेरे जिससे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ ये बट ड्यू टू टाइम कंस्टेंट शायद मैं ये वीडियो बना ना पाऊँ क्योंकि आई वो नीड टू प्रिपेयर फॉर्म आई एफ एस बी एज वेल एज आई हैव अ जॉब सो दस द थिंग तो वॉलकैनोस आप पढ़ लें क्लाउड्स आप पढ़ लें मैप ऑफ इंडिया आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लें झारखंड और उड़ीसा के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा थो फोकस करना और इंडिया के पोर्ट्स के बारे में पढ़ लें साथ ही साथ पासिस के बारे में पढ़ें और जो मैप ऑफ इंडिया पढ़ेंगे उसमें आप हिमालयस वगैरह वगैरह कहाँ पर क्या चीज़ें हैं ये सब चीजें थोड़ी बहुत देख लेना तो चलो पेपर से आगे बढ़ते हैं कि पेपर में देख के बताता हूँ सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर पर आपको फोकस नहीं करना है क्यों नहीं करना क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का अगर क्वेश्चन होगा तो वो बन जाएगा अदरवाइज़ यू ऐसी जगह से आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन निकालता है कि उसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है सो so, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा अगर प्रिपरेशन नहीं है और लिमिटेड टाइम बचा है तो आर्ट एंड कल्चर को अभी आप छोड़ सकते हैं अगर आप आगे जल के बाकी सी सी डी एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर लंबे ताम, लंबे टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू कैन फोकस ऑन आर्ट एंड कल्चर ओके सो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप कोई भी मतलब यूट्यूब से लेक्चर्स फाइंड कर सकते हैं स्पेसिफ़िकली या फिर आर्ट एंड कल्चर्स की जो बुक्स आती हैं तो उनको आप प्रेफर कर सकते हैं यू पी एस सी सी एस सी के लिए जो आर्ट एंड कल्चर की बुक्स आती हैं अदरवाइज़ फिर भी उसको भी पढ़ने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बना पाएंगे अगर वो आएगा आपको तो ओके okay, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है बीच द अगला क्वेश्चन जो मैंने बोला था वॉलोस आप पढ़ लें वालकनोस के ऊपर देखिए क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर द स्टेंथ ऑफ वॉल्कनोस इज बाय बाई एक्सप्लोसिव इंडेक्स आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय बाई एक्टिविटीज एक और चीज़ आपको जो देखनी है यहाँ पर आपको जब ऑप्शन देखें आप तो आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा जैसे अगर आपको कभी कोई ऑप्शन आए जिसमें ओनली बोल दिया जाए एकदम एक्सट्रीमिटी के ऊपर जाया जाए सो थोड़ी बहुत चांसेस रहते हैं कि एकदम अगर कोई क्वेश्चन में ओनली लगा दिया या फिर एक्सट्रीम बोल रहा है तो वो ऑप्शन गलत हो जाए तो अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है और Uh, अगर आपको लग रहा है कि बस uh, एकदम एक्सट्रीम बोल दिया कि इसके अलावा और कोई होता ही नहीं है ये नहीं होता है वो नहीं होता है तो अगर आप ये सोच सकते हैं कि ओनली है तो शायद वो गलत हो जाए हर बार गलत नहीं होगा बट दे आर चांसेस कि एक्सट्रीम वाले ऑप्शनस मोस्टली uh, सही नहीं होते हैं ओके मूविंग अहेड ये आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्लाउड का जो मैंने बोला कि क्लाउड को प्रिपेयर करके कर जाना है ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था अदरवाइज आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन वोल वाले ये दोनों मेरे सही हुए थे ये वाला क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ने लायक नहीं था पता नहीं वो किस तरीके का क्वेश्चन था आ, इसकी अभी मतलब इस पर मतलब बाकी जो कोचिंग्स वाले हैं उ, उनमें काफ़ी ज़्यादा एमबी क्यूटी टाइप कुछ हो रहा है उन लोगों में कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका ऑप्शन इसका आंसर क्या होना चाहिए आ, उसके बाद जो मैंने बोला देखिए ये सिंपल कुछ कुछ क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल आएंगे तो पिक अप द लो हैंगिंग फ्रूट्स जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे उसको आप कर लीजिए जो पूरा पेपर है इसमें आपको इस पेपर को आपको तीन बार में करना है पहली बार में आपसे जो 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 क्वेश्चन साफ साफ बन रहे हैं आप उनको टिक करिए दूसरी बार में जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है या फिर थोड़ा बहुत डाउट है उनको करिए तीसरी तीसरी बार में थोड़े और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना क्योंकि क्या होता है सी एस सी के पेपर में कि एक ही एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में कभी कभार छुपा रहता है तो जब आप मल्टीपल टाइम्स उस पेपर को लगा लेंगे तो शायद चांसेस बन जाएँ कि एक आधा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को पढ़ के ही आप उसका आंसर लगा पाएँ ऐसा क्योंकि हमारे साथ हुआ था जब मैंने यू पी एस सी सी एस सी का पेपर दिया था सो एक अमीबा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था और उसी के जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन था वो जो क्वेश्चन था उसी में उसका आंसर था ऊपर वाले क्वेश्चन में तो so, ये भी थोड़ा बहुत फोकस रखने वाली बात है जो फिर मैंने उसके बाद बोला कि आपको पोर्ट्स पे ध्यान देना है पोर्ट्स के बारे में आप पढ़ के जाना तो पोर्ट के ऊपर आप थोड़ा पढ़ के जाना हर बार जब भी मैंने सी का पेपर दिया है सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक हर बार मुझे पोर्ट का कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो देखने को मिले ही हैं तो पोर्ट के बारे में पढ़ के जाना विशाखावटनम पोर्ट तो उनका शायद वन ऑफ द फेवरेट पोर्ट पोर्ट है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना उसके बाद आगे बढ़ते हैं देयर एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन टू थाउजेंड इलेवन एंड टू थाउंडी वन हाउ द इज इंड ड्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया द सेम पीरियड इन अब ये वाला जो ओपन फॉरेस्ट वाले क्वेश्चन है इसके लिए अगर आप लोगों के पास समय है तो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ एक तो आप सी डी एस जर्नी की वो देख सकते हैं आप सी डी एस जर्नी सी डी एस जर्नी की जोग्राफी की उन्होंने एक वीडियो डाली हुई है वो देख सकते हैं बट उससे भी मैं बेटर आपको एक चीज़ बताता हूँ सुदर्शन शर आप डालेंगे अगर सुदर्शन शर्ट यूट्यूब पे और उनके सी के जो उन्होंने करंट अफेयर्स वाली जो वीडियोस डाली हुई हैं अगर उनको देख लिया आपने वो वीडियोस का अगर देख लिया तो जी आपको बहुत सिंपल लगेगा इस बार का सी का बहुत ज़्यादा तो अगर आप सुदर्शन सर की अगर वो वीडियोस देख सकें यूट्यूब पे आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगी सुदर्शन सर यू पी एस सी सी एस सी वीडियोज़ डालोगे तो आपको वो चैनल आ जाएगा उनका और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं उसका टारगेट पता नहीं ऐसा कुछ नाम है मेरे को नाम एक्सक्ट याद नहीं है बट अगर ये भी नाम डालोगे तो उससे वो आ जाएगा आ, ये मतलब वही सारे हैं जिनसे खुद आ, जो यू पी एस सी के एयर उन लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स के लिए तो सुदर्शन सर आप डाल सकते हैं और इनसे पढ़ सकते हैं इससे आपको जो भी करंट अफेयर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ली बन जाएंगे वो सारे कवर कर देते हैं सी एस सी के लेवल के तो सी एस सी लेवल का है तो यू पी एस सी सी डी एस का जो जीचे वाला पोर्शन है वो आपसे ईजीली बन जाएगा शायद आप पूरी वीडियोस ना देख पाएँ तो आप पाँच छः वीडियोस में उसमें कुछ टारगेट कर सकते हैं उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये देखिए करंट अफेयर कंटेंप्रेरी वाला टॉपिक आ गया थोड़ा सा तो आप जो करेंट अफेयर सारी वीडियो देखेंगे उधर से आपको ये क्वेश्चन बनने लगेंगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वीडियोस वीडियो आप जरूर देख लें उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020 से 21 एज पर द नीति आयोग ऑफ स्टडीज बॉटम ऑफ द कंपोजिट सो अगेन यहाँ पर अब मुझे पता नहीं था बट यहाँ पर मैंने क्या लगाया मैंने यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया विद ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टडीज एट द बॉटम ऑफ द कम्पोज सस्टेनेबल ऑफ इंडिया इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से जसप्रदा नीति आयोग सबसे नीचे कौन सा रहा है अब मैंने क्या सोचा कि यार उत्तर प्रदेश अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिसेंटली देखा जाए तो और क्या होता है ना जो नीति आयोग है ये इसका चेयरमैन कौन होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं अगर चेयर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है तो क्या वो अपनी पार्टी वाले को एकदम बॉटम में डालेंगे उत्तर प्रदेश को डालेंगे बॉटम थ्री में नहीं डाला जाएगा क्यों नहीं डाला जा रहा है एकदम उत्तर प्रदेश क्योंकि मेन वोटिंग वाला है ठीक है तो काइंड kind ऑफ of उत्तर प्रदेश के अगर कुछ खामियाँ होंगी तो उसको भी छुपा लिया जाएगा तो उस तरीके से मैंने उत्तर प्रदेश को सबसे सब पहले कैंसिल करा देन आई वेंट विथ आसम क्योंकि मुझे आसाम का लग रहा था ओडिशा भी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हर जगह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो इस तरीके से मैं आसाम के साथ गया देखिए मुझे यहाँ पर डाउट भी था बट ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया इस तरीके से आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी के पेपर में किसी को भी साठ परसेंट ज़्यादा पेपर कभी बनता ही नहीं है टॉपर्स को भी सो so, थोड़ा बहुत आपको गेस वर्क थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या ये लगा सकते हैं पॉलिटिकली भी सोच लेना क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है सो so, आप ये देखना कि रूलिंग पार्टी में क्या रूलिंग पार्टी क्या करना चाहेगी उसके बाद आप ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला है तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप आ, मेरे हिसाब से अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है तो लक्ष्मीकांत को रिवाइज़ कर लें या फिर पॉलिटी मैराथन वीडियोस डली देती हैं जैसे स्टडी आई की डली है किसी और की डली है तो पॉलिटी मैराथन वीडियोस देख के भी आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं बट अगर पॉलिटी में भी स्पेसिफिकली पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए पॉलिटी में प्रेसिडेंट इलेक्शन वाला पढ़ लीजिए प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद यू कैन गो विध डी पी एस पीस यू कैन गो विध फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जाते हैं पंचायती राज फेवरेट टॉपिक है यू पी एस सी का सो so, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं ये अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो इट विल बी गुड और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी वाला कुछ कुछ याद कर सकते हैं बट प्रेसिडेंट डी पी एस पी फंडामेंटल राइट्स एंड पंचायती वाला जो वो हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से करना है uh, इसके बाद आप देखेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में पूछा गया है अमंग दॉस नॉट इन द कोर लीडर्स ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट सो अब यहाँ पर क्या है कि ये आप कहाँ से कर सकते हैं इसके लिए आपको एक बुक uh, उठानी पड़ेगी एंड द बुक्स नेम एंड स्पेक्ट्रम सो स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद इसका तो पूरा काम हो जाएगा अच्छे से हो जाएगा बट अगर स्पेक्ट्रम भी अब शायद जो छः हफ्ते छः दिन बचे हैं उसमें आप नहीं कर सकते सो so, उसके लिए भी अगेन स्मार्ट स्टडी के करते हुए आप मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन डाली तो दो तीन घंटे की जाएगी जिसमें वो लोग करा देंगे सो so, आप उससे गो थ्रू जा सकते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है अगर आपको लग रहा है क्योंकि आपको पूरी नॉलेज तो होगी नहीं उसके तो आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो गो विद एन ट्यूशन अगर थोड़ा बहुत भी उसका अगर सुना हुआ है तो टिक करिए उसे बिकॉज uh, कभी पूरा तो कभी किसी को याद रहता ही नहीं है एंड तो आपको थोड़े अटैम्प्ट ज़्यादा रखने पड़ेंगे जी में मैं क्योंकि लगभग क्या करते हैं अटैम्प काफ़ी कम कर देते हैं तो उसके चक्कर में कुछ इशू हो जाते हैं ये देखिए मॉडर्न मौड, हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैंने इसको गलत लगाया इन इन रिस्पेक्ट टू बलूतेदार्स बीच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट ठीक है तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें मैंने लिखा देवर इस देवर पीज्ञ पीज्ञ दे वर विलेज सर्वेंट एंड आर्टिशन दे वर एम्प्लॉयड बाई इंडिविजुअल पीज एंड फैमिलीज द एक्जिस्टिंग इन द मिडीवल डेकन एंड महाराष्ट्र इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था उस समय मेरे दिमाग से ये लिख था तो उस समय मैंने इसको सही करा था वन टू थ्री इसका तीनों, तीनों का तीनों इसका करेक्ट आंसर है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ये देखिए आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन ये क्वेश्चन काफ़ी कम बनते हैं इसलिए आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन मैं काफ़ी ज़्यादा छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम आउटपुट रेशो काफी कम होता है आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में एवरीथिंग अंडर द है ऐसा होता है तो उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए आ, आपको जो क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेन फोकस है वो बस वो कंपटीशन बीट करना है पियोली एक्सप्रेस को कहा जाता था ये सी एस सी लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया सी यही है सी डी एस इस एंड यू के बीच वाला जो पेपर है वो है सो so, इसके बाद इन्होंने पूछा हिंदू धर्म सभा की किसने स्थापना करी थी ये स्टेट फॉरवर्ड आपको सीधा सीधा स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाएगा या फिर कोई भी एस एस के नोट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा या फिर आपको मैं एक और अच्छी चीज़ बता सकता हूँ जो आप आ, पढ़ सकते हैं सीरियस पेपर देने से जाने से पहले आप अभाष सैनी करके एक टीचर हैं यूट्यूब पर सो so, उनकी एक पी आती है जी एस की स्थेटिक जी की सो आप उस पी को अगर पढ़ लें वो काफ़ी ज़्यादा कंसाइजड है तो उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और वो छः दिन में आपकी ईजिली कंप्लीट हो जाएगी बाकी पढ़ाई के साथ साथ सो so, आप उसको अगर देख लेंगे तो ये जो ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन जैसे राधा कां देव ये जो मिलेस वाले हो गए ऐसे आपसे बन जाएंगे बाकी ये जो न्यूज़पेपर बन न्यूज़ पेपर से ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि अगर आप न्यूज़ पेपर रीडिंग अगर आप करते आएँ या फिर आप अगर सुदर्शन सर की वीडियो देख लें सो so, कुछ कुछ जो स्ट्रेटीज है आप ये इसको खुद ही भी नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि सुदर्शन सर के मुझे देखने ठीक है एंड देन सुदर्शन सर के देख करेंट अफेयर्स की उनकी क्लासेस देखनी है then यू कैन गो विथ आभास सैनी पी pdf एफ जी एस पी डी एफ स्थेटिक मैं ज़्यादा तेज लिख नहीं सकता हूँ अदरवाइज दैट ये ट्राईपो गिर जाएगा आ, उसके बाद आईसीसी मेंस सी ट्वेंटी वर्ल्ड कप किसने जीता ये कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस हैं इसमें मतलब आप अगर न्यूज़पेपर से ज़्यादा रहे हैं टच में तो आप ऐसे क्वेश्चंस बना पाएंगे और इसके बाद आपका आता है एक और जो यू के पर्सनल फेवरेट्स होते हैं वो है साइंस सो इसके लिए मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि नाइन टेंथ की अगर एन कर लेंगे उसमें साइंस का टॉपिक कर लेंगे तो यू विल बी वेल एंड गुड और उसके बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सो जिसने अगर अगर नाइन्थ के लिए कर तो आप समय नहीं है तो बस टेंथ की एन बस एक बार नज़रों से गुजारनी है आपको रटना नहीं है आपको कुछ याद नहीं करना है बस अप्रोच ही होनी चाहिए कि मुझे उसको एक एक बार पढ़ लेना है अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे ना तो आपको ये जो छोटे छोटे ये जो क्वेश्चन बने हैं जैसे बाइल वाला आ गए ये पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं यहाँ पर सो तो ये क्वेश्चन अगर हम गलत करते हैं तो हम कंपटीशन से पीछे हो जाएंगे क्योंकि ये सभी लोग क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं लगभग लगभग जिन भी पढ़ी होती है तो एन भी आप पढ़ लीजिए सो ये थर्ड स्ट्रेटेजी है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो so, ये हो गई एन सी आर टी ये एन सी आर टी आपको पढ़नी है नाइन्थ अभी टेंथ की लिख देता हूँ मैं अगर समय है तो नाइन्थ की भी पढ़ लेना अदरवाइज़ ये सब चीज़ें तो करनी ही है यहाँ पर जो दिख रही हैं मूविंग हेट ये देखिए पूरा नाइन्थ की एन सी आर टी से है इसमें इस, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पीड देती है टाइम दे दे डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला बन जाता है एक तरीके से इसके बाद आया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब द माइक्रोफोन स्पीकर ऑफ द मोबाइल फोन अगेन पूरा पोर्शन ये साइंस का है यहाँ से थोड़े एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू क्यू का भी जाता है तो वो वाला फार्मूला भी देख लेना कि पावर एनर्जी रसिसटेंस ये विजिकल टू आई आर वाले फार्मूला जरूर देख के जाना क्योंकि ये भी वो पूछ लेता है यू एंड यही साइंस वाला पोर्शन है जो सी को सी से कमज़ोर बनाता है सी से सिंपल बनाता है तो आपको इस वाले पोर्शन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इसमें आप जितने ज़्यादा अटैम्प्ट कर सक कर सकें उतने करिएगा और जितने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकें उतने ज़्यादा मार्क्स गेन कर करने की कोशिश करना है उसके बाद हाँ एक और चीज़ जो मैं लिखना भूल गया रिवर्स रिवर्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है रिवर्स का रिवर्स भी एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है इनका सो so, इस बीच इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है

ये वाला क्वेश्चन देखिए इसमें मैंने ऑप्शन एनिमेशन लगाया था रानी टोल्डर फ्रेंड दैट द लास्ट ईयर शी डिट बोटिंग इन फोर डिफरेंट लेक्स नेम लॉथक बराबरी कोलेरू एंड पुलीकट बिज ऑफ द फोलिंग स्टेट डिड शी विजिट इट मुझे बस पता था कि लॉकथक लेक मणिपुर में और बाकी पुलिकट के बारे में मुझे जानकारी थी कि पुलिकट लेक तमिलनाडु में है अदरवाइज मुझे बाकियों की जानकारी नहीं थी तो इसलिए मैंने ये देखो मिज़ोरम काट दिया और उसके बाद ये मिज़ोरम वाला मैंने एक और काट दिया फिर इस वाले ऑप्शन को मैंने बाद में काटा क्योंकि मुझे ये देखो कोलेरू कोलेरू साउथ का नेम है तो केरला वाला होगा बारा पानी मेघालय का नेम हो सकता है सो so, इसलिए मैंने इसको तरीके से लगा दिया ये आंध्र प्रदेश लगाया और ये मेघालय लगा दिया ओके okay. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब ये 2011 सेंसस के क्वेश्चन तो हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो सेंसस का आ जाता है और सेंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल टॉपिक है आप काफ़ी ज़्यादा काफ़ी का जल्दी इसे ठीक कर सकते हैं बाकी एक और बात है जो आपको याद रखनी है ये जो रिवेलियन हुए थे फार्मर पीजेंट रिवेलियन और ट्राइबल रिवेलियन इसकी भी डेट्स पूछ लेता है वो कभी कभी बाकी रंपा रिवेलियन का हुआ था ये वाला रिवेलियन सब था संथाल रिवेलियन ये सब चीज़ें इसके बारे में वो पूछता रहता है सो ये भी आप थोड़ा रिवेलियन वाली भी चीज़ें अगर थोड़ी सी पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सो so, अभी अगर आप बस ये ये चीज़ें पढ़ लेंगे जो मैं इधर लिखते जा रहा हूँ ना आपका अच्छा खासा पेपर निकल जाएगा आपका सी का आपको दिक्कत नहीं आएगी सो रिबेलियंस बोथ पीजेंट एंड एस ठीक है तो ये आप देख लेना यहाँ पर आपको पढ़ना है और आप ख़ुद भी अगर इसको लिखते जाएंगे अपने हिसाब से अपनी स्टडजी को मॉडिफाई कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बाकी फिर जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से करंट अफेयर रिलेटेड हैं एसएससी एस लेवल के तो ये भी आ, मतलब अगर आप सुदर्शन सर की कुछ वीडियोस देखेंगे और कुछ अगर करंट अफेयर्स की वीडियो देख लें एस वाली तो आपका वहाँ से भी काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा उसके बाद ये एनुअल एक्सरसाइज वाली वीडियोज़ हैं इसके लिए मैं आपको कुछ चैनल्स हैं जिनको आप वीडियोज़ नहीं देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा जैसे इनसाइड एस मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अभी क्योंकि आ, वो क्वेश्चंस फंसते नहीं हैं ज़्यादातर और उनमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है सो उधर आप रहना दीजिएगा मैंने भी कुछ पर्सनली जब मेरे पेपर्स थे तो मैंने एक आध बार देखी वो तो उनके क्वेश्चन पसंद नहीं हो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ वहाँ पर क्योंकि शायद पता नहीं एनालिसिस कुछ ना कुछ गड़बड़ है सो वहाँ पर आप ज़्यादा समय बर्बाद ना करें और आगे बढ़ते हैं हम लोग जैसे देखिए सॉइल के बारे में कुछ पूछा रहे सॉइल के बारे में हर बार यूपीएससी पी एस एक नया क्वेश्चन तो डालता ही है कि कहाँ पर कैसी वाली सॉइल पाई जाती है तो एक हल्का सा सॉइल के बारे में भी आप आइडिया ले लीजिएगा सॉइल में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंड मार्स जुपिटर ये तो नॉर्मल है सोलर प्लेट के बारे में ये शायद ऑलमोस्ट हर बच्चा यही करेगा ग्रैंडविच टाइम मेरिडियंस ये भी काफ़ी ज़्यादा जनरल क्वेश्चन है जो आपको पता होने सकती है और एक्सरसाइजेस के बारे में बस एक क्वेश्चन आया है सो इन इन तरीके के क्वेश्चन भी uh, बच्चे क्या करते हैं इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे हैं तबकि क्वेश्चन उसका बस एक आया है सारे सारे डिफेंस वाले चैनल इसी के बारे में डालते हैं एक्सरसाइज 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 और तबकि उनका जो uh, पोर्शन है वो काफ़ी कम है इसके बाद ये थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल्स म्यूज़ के बारे में पूछ लिया सस्टेनेबल सॉलीटर सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया इसके बारे में भी इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता आता है कभी कभार मैंने देखा है तो ये जनरल सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग इन सब के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना ये जो हाई पोस्ट हैं जैसे कैग के बारे में आपने पढ़ लिया सॉलिटर जनरल के बारे में पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ लिया इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया इनके क्वालिफिकेशन इन तीनों के क्वालिफिकेशन इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उसके बाद राज्यसभा की कमेटीज़ हाँ राज्य सब कमिटीज़ के बारे में पढ़ लेना एस्टिमेट कमेटी पब्लिक स्टैंडिंग कमेटीज़ ये सब चीज़ें सो so, कमेटीज़ में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ओके okay. नीति आयोग के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं वो अगर बननी होंगी तो ही बनेगी नहीं तो अदरवाइज नहीं बनेगी वो टेक्सटाइल रिलेटेड है पर इसके कोशिश ये बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है तो इस तरीके की चीज़ें हम ज़्यादा सर्च नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम लिमिटेड टाइम में अभी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं कमिटीज़ के बारे में बहुत सारा पूछा जाता है तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ देख लेना ज़्यादा डीप में मत जाना क्योंकि कमिटीज़ बहुत सारी बनाई है गवर्नमेंट ने अभी तक तो वो चांसेस हैं कि वो आपसे बने ही बनी ही ना पाए इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे खुद कमिटीज़ ज़्यादा पता नहीं है बट हाँ फिर भी जो जनरल कमिटीज़ है जो हर बच्चे को पता है तो वो आपको पता होनी चाहिए अदरवाइज़ अगर पूरी कमिटीज़ करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा फिर उसके बाद इकनॉमी इकनॉमी में आपको थोड़ा फोकस करना है इकनॉमी में आप आ, कोई शॉर्ट वीडियोस देखिए एक इकनॉमी का एक तो बेस्ट सोर्स है मुरनाल सर के नोट्स अगर कोई भी इंसान बा, बात के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मुरनाल सर लाइक वो 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 बेस्ट है मतलब उसके बाद तो आपको सी के लिए भी कहीं और कुछ नहीं देखना है अगर आपके पास एक आध साल है प्रिपेयर करने के लिए सी के लिए तो गो फॉर इट अदरवाइज़ अभी यूट्यूब पे ही कहीं ना कहीं से आप वीडियो डाल के उसे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से उसे कंप्लीट कर सकते हैं इनमी की छोटी छोटी जनरल चीज़ें पढ़ लीजिए जैसे एस क्या होता है रेपो रेट क्या होता है बैंक रेट क्या होता है अगर अलग अलग चीज़ें एक, ये ये सब क्योंकि सी में इकोनॉमिक में ज़्यादा ज़्यादा वो पूछते नहीं है सो तो आप बस ये पूछ सकते हैं इकोनॉमी में अगर आपको पढ़ना है एस पढ़ लीजिए रिपो रेट पढ़ लीजिए बैंक रेट पढ़ लीजिए कॉन्ट uh, मतलब बेसिकली क्वान्टिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल होते हैं इन क्वान्टिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल इनको आप अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा uh, इनको देख लीजिएगा इकनॉमिक्स के लिए तो ये काफ़ी ठीक रहेगा एम जीरो एम वन एम टू ये सब चीज़ें भी थोड़ा बहुत सी पूछता रहता है uh, या फिर एक काम करना हो तो आप सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा एंड यूपीएससी के भी जो इस साल का पेपर आया है वो पेपर जरूर लगा के जाना यूपीएससी का जो इस साल का प्रीलिम्स है सी का उसी के पैटर्न पे क्योंकि सीडीएस का क्वेश्चन कभी कभी आता है उसमें से ही जो टॉपिक्स होते हैं वो लोग सीडीएस में सेम टू सेम रिपीट कर देते हैं तो इस बार का सी का पेपर तो जरूर लगा के जाना उसके सोल्यूशन पढ़ के जाना पोषण अभियान जो रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स स्कीम्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको बस यूट्यूब पर डालेंगे द रिसेंट स्कीम्स सो वहाँ से भी आपकी वो स्कीम्स हो जाएंगी गवर्नमेंट वाली तो उन गवर्नमेंट स्कीम्स को important schemes, schemes कर लेना इंपॉर्टेंट स्कीम्स करके जाना जैसे चंदन योजना करके चले गए पोषण स्कीम करके चले गए और ये बाकी जो स्कीम्स है वो सब थोड़ी बहुत देख लेना कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया थोड़ी सी डाउट में देखनी पड़ेगी बट कोई भी अगर आप एक अच्छी वीडियो लगाएंगे तो वहाँ से आपका उसका काम भी हो जाएगा ट्रिब्यूनल्स के बारे में बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हैं तो अगर ट्रिब्यूनल्स में आप अगर मोस्टली ज़्यादातर अगर गैस वर्क करें अगर थोड़ा समझ के कर पाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा बीच द फॉलिंग कंडीशन इज नेसेसरी नैसे इशू आर रेट ऑफ आ सरेटोरी इन 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 इंडिया देर शुड ब ट्रिब्यूनल और एनी ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी डिटरमाइन क्वेश्चन एक्टेंड बट ट्रिब्यूनल के बारे में ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो ट्रिब्यूनल आप अभी छोड़ सकते हैं उसके बाद बुक्स के ऑथर पूछे जाते हैं तो बुक्स के ऑथर भी थोड़ा बहुत अगर देख सके तो देख सकते हैं अदरवाइज इट्स ऑल्सो वेरी बिग लिस्ट तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आपका समय बर्बाद हो जाएगा और चांसेस है कि ये क्वेश्चन बनी ना हो या फिर शायद आए ही ना इस बार आ, उसके बाद एक और यू पी एस सी के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं वो हैं जैन और बुद्धिज़म सो तो आपको जैन और बुद्धिजम के बारे में पढ़ के जाना है अगर आटे कल्चर में कुछ पढ़ना है तो बस जैन और बुद्धिजम पढ़ के जाइए क्योंकि इसके क्वेश्चन तो यू पी एस सी फेंकता ही है तो जैन बुद्धिजम कर लिया तो उसके बाद दैट्स इट उसके बाद ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है रिवर्स के बारे में जो मैंने बोला था कि विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन ऑफ बिटवीन द गुलबर्ग एंड द विजन नगर हम्पी सो बस ये देख लेना मतलब एक मैप बनाना मैप में आप सारी के सारी रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ मार्क कर लेना अगर आप बस एक बार मार्क कर लेंगे तो उसके बाद आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा और क्वेश्चन बनना होगा तो उसके हम सा बन जाएगा ईजीली उसके बाद से जो मणिपुर का इशू रहा है तो मणिपुर में जो ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं इस बार वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं सो so नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना उसके क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं उसके बाद जो नेशनल नेशनल पार्क है तो इस बार तो नेशनल पार्क के इतना कुछ मेरे हिसाब से आने के चांसेस नहीं है क्योंकि पिछली बार हो रहा था चीते वगैरह आ रहे थे तो शायद चांसेस थे एक आध्ध क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन आ सकता है एट मैक्स उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा बट अगर आपको के लिए प्रिपेयर करना है तो बॉडीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा लीजिएगावायरमेंटल बॉडीज़ फॉर दैट आप शंकर आई की बुक्स में जो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं बॉडीज़ को लेकर इंटरनेशनल बॉडीज़ को लेकर तो उनको पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा उससे इनमें से ये बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं मुझे पता है बट इसमें से भी आप अपने हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटेजी आप अपने पेपर में लिख रहे हैं उसमें से कुछ कैंसिल कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से और कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी वीकनेसेस के हिसाब से सो मॉडिफिकेशन इज ऑन टू यू आई एम जस्ट गिविंग यू आर ऑफ स्ट्रक्चर जैसे टॉम ऑफ स्टैंड ये वाली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी गीतांजलि जी गीतांजलि श्री वाली क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ प्राइज़ मिले थे बुकर प्राइज़ मिला था इन्हें सो ये देखिए करंट अफेयर्स से मतलब अगर एसएससी सीजीएल के भी जो करंट अफेयर्स उस लेवल के भी जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर सो so, अगेन वो सुदर्शन आ, सर के अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स वाली वीडियो सी एस साली सो उस में भी आपका ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी काइंड ऑफ अब देखिए सी आर आर के वाले ही क्वेश्चन पूछेगा इकोनॉमी में जो मैंने बोल रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादा ऊपर ज़्यादा टफ नहीं जाते हैं सी के पेपर में ये देखिए डिफ्लेशन के बारे में पूछा इनफ्लेशन डिप्लेशन आर आर बस यही सब पूछेंगे और ये बहुत ज़्यादा ईजी मार्क्स हैं तो आप इनको ले सकते हैं तो इनमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना इनको थोड़ा सा पढ़ लेना आ, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बोला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है काफी जो पूछा जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जरूर पढ़ के जाना है स्वयं पोर्टल स्वयं प्रोग्राम जो रीसेंट स्कीम्स हैं स्वयं एक काफी ज़्यादा चल रहा था इसके बारे में पूछ लिया इन्होंने लोगों ने यू एन एस पीस कीपिंग मिशन इन विच कंट्री डिट दिस मिशन ऑपरेटेड इंटरनेशनल में इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के बस इट मेक्स एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछेगा वो उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा सो आई वल सजेस्ट कि वहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करके जितनी चीज़ें भी हूं, पे जाएगा जाएगा। अभी बताइए हाँ उन्हीं पर ज़्यादा ज़्यादा काम करा जाए अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल विच एविजेंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिलीजन इंस्टीट्यूशन ये हल्की हल्की चीज़ें हैं जो लूसेंट्स आपकी कवर हो जाएंगे अगर समय है सो लूसेंट में अगर थोड़ा बहुत अगर आप हिस्ट्री को एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर सकें तो लूसेंड में दो चार कुछ समय आप दे सकते हैं लूसेंट को अगर पढ़ सके तो लूसेंट भी देख सक देखा जा सकती है लूसेंट भी बस एक बार रीड करनी है याद करने की ज़्यादा कोशिश करनी है क्योंकि इस मोमेंट पर आप कुछ याद नहीं कर सकते सो so, जिन बच्चों का ये सब हो गया ऊपर वाला तो आप वो लूसेंट पर आएंगे आ, बाकी सबसे पहले यह करना है फिर उसका लूसेंट पर आना है लूसेंट से भी आपको मतलब जी आ, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन या एग्रीकल्चर वो आर्ट एंड कल्चर वाले पे थोड़ा फोकस रखना है उसके बाद साथ हाँ एग्रीकल्चर जब मेरे मुंह से निकला तो एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि कौन सी फसल कब होती है रबी में कौन सी फ़सल होती हैं अपने जेत में कौन सी फसल होती हैं और खारफ़ में कौन सी फसल होती हैं है। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और किस सीज़न में होती हैं किस स्टेट में कौन सी फसल होती है और क्या उसे मौसम चाहिए पड़ता है क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो अगर वो क्वेश्चन में आपसे तीन चीज़ें बोलेगा कि ये पर्टिकुलर कॉटन है तो ये गर्मियों में लगता है मॉइस इन्वायरमेंट चाहिए ये चाहिए वो चाहिए इस तरीके से आपको बताएगा और फिर आपको ऑप्शन चूज़ करने पड़ेंगे कि वन ओनली टू ओनली थ्री ओनली फोर ओनली तो वो सब चीज़ है इसके बाद ये फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत आ जाते हैं आई आर वीजिकल टू आई आर उसी से रिलेटेड रजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रख लेना ये वन बाई आर इजिकल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू ये वाला फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब पैरलर रजिस्टेंस लगा दिया सीरीज़ में लगा दिया सो ये वाला जैसे क्वेश्चन था पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ये नॉर्मल जो क्वेश्चन हो गया वीज एस इजिकल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्र ये न्यूटन का सेकेंड वाले आ, उससे जो फार्मूला बनता है ये वो हो गया फिर मतलब ये ये वाला जो पोर्शन है अगेन अब देखिए वो नाइन टेंथ की जो आपकी एन थी उससे बच जाएगा तो नाइन टेंथ की एन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना उसको सबसे पहले अगर आप कर सकें तो उसको कर लेना टेंथ वाली तो कर ही लेना आ, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे सोचो so, इतने सारे पेजेस के क्वेश्चन तो उसी बस उसी उसी से हैं और पहले भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे निकल चुके हैं आ, उसके बाद ये डेट्स वाला एक आध क्वेश्चन तो वो जरूर करना कहीं ना ना कहीं फेंकता है तो थोड़ी बहुत बस देख के चले जाना क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको याद रह पाए और जो आप पढ़ो की वही वही आ जाए बट एक बार एक बार दिमाग से अगर गुजरेगी तो आप इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा सही कर सकते हैं उसके बाद बस यही है इस वीडियो में और आप इतना ही कर पाएंगे अभी मेरे पास मेरे हिसाब से इस लिमिटेड टाइम में बाकी जो लॉन्ग ड्यू लॉन्ग टर्म में सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक अलग से थोड़ी और स्ट्रेटजी बना दूंगा अदरवाइज इस स्ट्रैटेजी को भी थोड़ा अभी इस स्टडजी को तो वो कंप्लीट कर ही सकते हैं जितने दिनों के लिए मैं वो नहीं बना पा रहा हूँ सो यस दैट्स इट इन दिस वीडियो आई होप्ड ये थोड़ी बहुत लिए हेल्पफुल रही होगी अगर रही है तो प्लीज़ टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट बाय टेक केयर सी यू सून